नमस्कार, इंडिटैप न्यूज में आपका स्वागत है। श्रीराम तिवारी उर्फ बबलू तिवारी प्रधान संघ के निर्वाचित जिला अध्यक्ष हुए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में श्रीराम तिवारी उर्फ बबलू तिवारी विष्णुपुरा के प्रधानपति प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष नव निर्वाचित हुए। कहा कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। आज यहाँ प्रधान संघ के जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं उनका सम्मान समारोह हुआ। आपको किस पद पर चयन किया गया? जिला प्रधान संघ अध्यक्ष चुना गया है। संघ का क्या नाम है आपका जो चुना गया है? प्रधानों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए प्रधान गांव का प्रथम व्यक्ति होता है। हर जगह लताड़ा जा रहा है। कोई अदना एक अगर एक दरखास्त लिखकर दे देता है उस पर जाँच हो जाती है। ये तमाम प्रधान के साथ होने वाली दिक्कतों को समाधान के लिए यह संगठन चलता है, उनके मान सम्मान के लिए चलता है, गांव के विकास के लिए यह संगठन चलता है। जी, अभी आपने कहा कोई दरखास्त देता है तो गांव में समिति जाती है, जांच होती है, अब प्रधान पर जांच होती है। परंतु कोई भी बजट आता है तो सचिव और जय की मिल कहीं वो बजट निकलता है जी, तो सचिव को क्यों बचा जाता है? यही तो कहने की बात है कि सारा उसमें प्रधान जो भी धन व्यय करता है गांव के विकास के लिए उसमें जेई एस्टिमेट बनाता है, सचिव ये होता है, लेकिन प्रथम दृष्टया केवल प्रधान को ही देखा जाता है, उसको दंडित किया जाता है। हम ये नहीं करेंगे प्रधानों की जांच ना हो, प्रधान पैसा निकाल लेगा ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कोई अगर आरोप लगाता है तो आरोप का पहले जांच हो, उसके बाद से उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाए, न कि किसी के मान सम्मान को बिगाड़ने के लिए। 5 वर्ष का समय मिलता है, जनता की काफ़ी उम्मीदें होती हैं और केवल दरखास्त का ही जवाब हम देते रह जाएंगे तो फिर विकास दुर्लभ है। जी, बहुत सारे गांव में देखा गया है अगर विकास करना चाहे व्यक्ति तो विकास नहीं हो पाता है, गांव के कुछ लोग भी जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में भी कुछ मैंने असामाजिक तत्व होते हैं जो कि वो ये चाहते हैं कि मैं ही हीरो रहूं, मैं मेरे द्वारा ही काम केवल हो, जहां नाम आए मेरा आए, अन्य का ना आए। लेकिन हम लोग की नीति हो ये है कि भाई सब विकास करें, सबका मान सम्मान हो और सारे लोग गांव के विकास। कोई एक व्यक्ति गांव का विकास नहीं कर सकता, गांव में एक से एक प्रतिभा है, प्रतिभा को दबाया ना जाए, प्रतिभा का सहयोग किया जाए, उत्थान किया जाए और तब गाँव का विकास संभव है। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया प्रधान संघ का, तो कितने विश्वास के साथ उनके खड़े उतरने काम करेंगे आप? निश्चित ही जितना हो सकेगा, मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा प्रधानों के मान सम्मान के लिए खून पसीना एक करके उनके मान सम्मान को बचाने के लिए, प्रधान संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जो इसके पहले पदाधिकारी हुए हैं, जो इसके पहले जिलाध्यक्ष हुए हैं, उन लोगों के कार्यकाल को देखते हुए, उनके गरिमा को ध्यान में रखते हुए, इस जिला के प्रधान संगठन को ध्यान में रखते हुए, मैं निश्चित यह आश्वस्त आशा विश्वास के साथ कह रहा हूँ या आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ पूरे प्रधान।